कांग्रेस पार्टी के त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी बन आगे बढ़ो मेरठ पद किसी डब्बर बन आगे बढ़ो राहुल गांधी जिंदा बोल राहुल केंद्र अवस्था अभी क्या बक्तृता करब ना क्योंकि एक कथा बोलते चाहिए सबार आवेदन सारा भारतवर्षर मानुष बीजेपी मोदी चार पांच बस शासन शेषे प्रत्येक मानुष भारतवर्षे प्रति प्रांत ठीक कर दिए मोदी सरकार पतन हो मोदी सरकार घटाते हैं सारा भारतवर्षर प्रति राज्य बीजेपी पराजित कांग्रेस तार एकक संख्यागरिष्ठता नहीं कांग्रेस क्षमता आसे आप आशा करी ए राज्य मानुषो अपनारा जेखने आज्य मानुषो सारा भारतवर्षर मानुषे चिंताधारा थे आलदा नन ए राज्य मानुष राजनैतिक भावे अनेक सचेतन एवं विश्वास करी ये लोकसभा निर्वाचन आससे से निर्वाचने दुटो सीटे कांग्रेसर प्रार्थी के विपुल भोटे जयुक्त करबें आजकल समावेश से प्रमाण दिच्छे जे कांग्रेस अपनारा एक कथा माथा रखबें ए राज्य बीजेपी क्षमता आसे बीजेपी को संगठन छिल ना ए राज्य मानुष पशी एन राहुल गांधी एसे गे राहुल जी वेलकम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बंदे मातरम राहुल जी जिंदाबाद सारे हमारे आदरणीय त्रिपुरा में हम स्वागत करते हैं राहुल जी को यहां पे स्वागतम के लिए मैं एनएसयूआर महिला कांग्रेस प्राक्तन प्रदेश कांग्रेस सभापति माननीय गोपाल चंद्र राय के मोमेंटो दिए राहुल जी के स्वागत करार अनुरोध रखी प्राक्तन प्रदेश कांग्रेस सभापति माननीय दुर्जित सिन्हा महोदय के राहुल गांधी के मणिपुरीर जे संस्कृति ओटा दिए बरण करे नेवार जन्य अनुरोध रखी एखन आमी आपनादेर सामने स्वागत भाषण रखार जन्य आमादेर सकलेर प्रिय त्रिपुरा राज्येर महाराजा श्री प्रद्युत माणिक्य किशोर देवबर्मन जी के अनुरोध करछि अंकुल अनुठारो खुलिंखा माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रकाश बाबूजी महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारे इंचार्ज भूपेन बोरा जी ऑब्जर्वर राजेश जोशी जी महिला कांग्रेस इंचार्ज किम जी लक्ष्मीनाथ जी तापस दे जी और हमारे एनएसयूआर यूथ कांग्रेस और वाइस प्रेसिडेंट पीयूष विश्वास जी आज बहुत ऐतिहासिक दिन है कि हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार कुमुलम में आए हैं तो सबसे पहले राहुल गांधी को आप ताली देकर नमन कीजिए और जोर से राहुल जी यहां आए हैं और राहुल जी के
शब्द से हम सुनना चाहते हैं कि त्रिपुरा में आने वाले दिन में क्या होगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस वापस 2019 में दिल्ली में आएगी और इससे ज्यादा ताली आप तब दीजिए जब 2019 में ही त्रिपुरा में कांग्रेस वापस आएगी। देखो हम लोग सच बोलते हैं, यहां में एक सरकार है जो झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलता है। हमने झूठ के आधार में हमने राजनीति नहीं की है। यहां में राहुल जी कुंभमेले में आए हैं, ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक मैसेज है। यहां में मोदी जी आते हैं अगरतला जाते हैं, लेकिन यहां में आकर एक मैसेज दिया है राहुल जी ने कि त्रिपुरा पूरा त्रिपुरा कांग्रेस के साथ है और राहुल गांधी पूरा त्रिपुरा के साथ है। यहां में बहुत मुद्दे हैं, लेकिन मैं 2-3 शब्द बोलकर, क्योंकि इसके बाद राहुल जी बोलेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसका विरोध कोई आंचलिक पार्टी ने नहीं किया, ये बीजेपी की सरकार ने नहीं की। राज्यसभा में कांग्रेस से डरकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल राहुल गांधी और कांग्रेस ने रोका है। और राहुल जी ने एक बात और कहा है, अगर कांग्रेस और जरूर कांग्रेस जब 2019 में आएगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को खारिज कर फेंक देगी। ये राहुल गांधी का कमिटमेंट है त्रिपुरा को। फॉरेस्ट बिल हो, शिक्षा हो, कॉकबरक हो, इन लैटिन स्क्रिप्ट रोमन स्क्रिप्ट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो सबको राहुल गांधी आज बोलेंगे। आज ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है हमारा टेरिटोरियल काउंसिल का। राहुल गांधी जी ने हमको आश्वासन दिया है, लिख के आश्वासन दिया है, कागज में लिख के बोला है कि यहां में डायरेक्ट फंडिंग और ऑटोनॉमी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टेरिटोरियल काउंसिल में होगा। आप लोग समझ लो, प्राइम मिनिस्टर आता है और हमको भाषण देकर चला जाता है, एयरपोर्ट के नाम में हमको भावुक करता है, लेकिन यहां में बेरोजगारी पान बेचने से नहीं होगा, गाय रखकर दूध बेचने से नहीं होगा। आपका वादा कहां गया जो स्मार्टफोन था? आपका वादा कहां गया जो हमारे बेरोजगार यूथ को, युवा को नौकरी देने का, वो वादा कहां गया? आपने झूठ बोलकर हमें वोट दिलवाया, सीपीएम को हटाया, बहुत अच्छा है, लेकिन झूठ से सरकार, झूठ से राजनीति और झूठ से आप त्रिपुरा को नहीं चला सकते हो। नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वादे करके जाते हैं, बहुत आसाम से लीडर आकर पैसा देकर जाते हैं, आंचलिक पार्टी को पैसा देकर जाते हैं, इलेक्शन के पहले बोलते हैं हम आपको देंगे, वादा करेंगे आंचलिक पार्टी, लेकिन अगरतला में बैठकर सब चुप। हमको भी यहां में हमारे लीडर हैं, दिलजीत बाबू हैं, गोपाल बाबू हैं, मैं हूं, हमको भी ऑफर आया था, हम लोग नहीं गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी मुंती प्रसानो सिलिया को आप लोग समझ नहीं सके। हमें आने वाले दिन में आप देखिए क्या होने वाला है। एक नारा था चलो पलटाए, आने वाले दिन में
और एक नारा होगा, चलो उल्टे, चलो आप बोलिए, चलो। हाँ, ये आवाज अगरतला पहुंचना चाहिए। अब आखिर में राहुल जी अरुणाचल, मणिपुर और अब त्रिपुरा आए हैं। राहुल गांधी का एक कमिटमेंट है, वो क्या कहते हैं, जब मैंने कमिटमेंट दे दिया तो मैं खुद का भी नहीं सोचता हूं। अब राहुल जी बोलेंगे और आप सुनिए, और जो वो बोलते हैं वो लिख कर करके देते हैं, आप सुनिए। और यहां में जो हमारे इंडिजिनस पिपरासा हो, मग हो, हमारे जो मुसलमान भाई हो, एससी भाई हो, त्रिपुरा सबका है, हम एक होकर त्रिपुरा में राज करेंगे। चिरी सैकड़ा रख से मन सा मनो, चिरी सैकड़ा रख से चिरी भविष्य, चुन के बनी पड़ा तंगिया। और जो फॉरेस्ट बिल से हमारा जमीन ले जाना चाहते हैं, जो हमारा जमीन ले जाना चाहते हैं, मैं बीजेपी की सरकार को बोलना चाहता हूं, हम अपना एक इंच जमीन आपको नहीं देंगे। ओबो चीनी हा केवल से बोल मानिया। आप लोग आखिर में सुनिए, समझिए और आने वाले इलेक्शन में सोच समझ के आप अपना वोट उसको दीजिए जो झूठ में काम नहीं करता, जो अपना वोट बेचता नहीं है, जो देश के बारे पहले सोचता है, जो त्रिपुरा के बारे पहले सोचता है। यही मैं बोलकर मैं अपना भाषण रखता हूं। आप लोग अब राहुल जी के बारे सोचिए और उनके बात सुनिए। दलाई में हम बाय, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे सबसे प्रिय, हमारे रिद्धि को आप लोगों को अनुरोध करता हूं, प्रदीप देवर्मन जी, बिरजीत सिन्हा जी, समीर रंजन बर्मन जी, गोपाल चंद्र रॉय जी, पीयूष कांति विश्वास जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता कार्यकर्ता, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस के हमारे सब लोग, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। खुलुमखा नमस्कार। हमारे सामने कुछ ही दिनों में लोकसभा का चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, सबको जोड़ने की विचारधारा, प्यार की विचारधारा, और दूसरी तरफ नफरत तोड़ने वाली विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा। त्रिपुरा के बारे में आप जानते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार से आप पर आक्रमण हो रहा है, किस प्रकार से आपको दबाया जा रहा है, आप जानते हो। और इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। मगर सबसे पहले मैं देश के मुद्दों के बारे में बोलना चाहता हूं। देश के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या बेरोजगारी की समस्या, और उसके बारे में भी त्रिपुरा की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। 7.5 लाख बेरोजगार युवा आज त्रिपुरा में है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वायदा किया था। त्रिपुरा ने
रही है बीजेपी की सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, त्रिपुरा की जनता से, त्रिपुरा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने, त्रिपुरा की सरकार ने आपको रोजगार दिया? वायदा पूरा किया उन्होंने? ठीक है, आज आंकड़े निकले, रोजगार पैदा नहीं किया भाई और बहनों, आज आंकड़े निकले, पता लगा कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी से एक साल के अंदर 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। जिनके पास रोजगार था, 1 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी से बेरोजगार किया। मतलब 2018 के हर दिन हिंदुस्तान के 3000 युवा जो रोजगार करते थे वो बेरोजगार हुए। भाषण देते रहते हैं, जहां जाते भाषण देते, वायदा करते हैं, मगर एक सच नहीं बोलते हैं। जहां भी देखो आप हिंदुस्तान में, किसी युवा से पूछो भैया क्या करते हो, जवाब मिलता कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। नोटबंदी की, पता नहीं क्या हुआ, दिमाग में क्या घुस गया, अचानक 8 बजे रात को टीवी पर आते हैं, देश को बता देते हैं कि भाई और बहनों मुझे 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, उसको मैंने रद्द कर दिया। लो, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लो, 8 साल के किसी बच्चे से जाके पूछो भैया 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अगर रद्द किया तो देश की अर्थव्यवस्था को क्या होगा, 8 साल का बच्चा आपको बता देगा, जबरदस्त नुकसान होगा, छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस सब खत्म हो जाएंगे, 8 साल का बच्चा बता सकता है, मगर देश का प्रधानमंत्री नहीं समझ सकता इस बात को। यहां हमारी महिलाएं आई हैं, इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के सामने खड़ा कर दिया, आप सबको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के सामने खड़ा किया। क्या फायदा मिला? आपका पैसा था, आपके जेब से निकाल लिया, कहां गया वो पैसा? उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के चोरों को देखा? विजय माल्या लाइन में खड़ा था, नीरव मोदी लाइन में खड़ा था, मेहुल चौकसी लाइन में खड़ा था, ललित मोदी लाइन में खड़ा था ना? नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर चोरी कर गया, भाग गया। नोटबंदी में इन्होंने पैसा बैंक में डाला, आप सबने पैसा बैंक में डाला। नरेंद्र मोदी ने कहा भाई और बहनों काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है, लाइन में खड़े हो जाओ, बारिश हो आंधी हो तुम्हें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। देश के सब चोरों ने, सबके सब चोरों ने नरेंद्र मोदी जी की मदद से अपने काले धन को सफेद में बदल दिया। यह है नरेंद्र मोदी जी की काले धन के खिलाफ लड़ाई। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का किसान आत्महत्या करता है, हर प्रदेश में हर रोज कोई ना कोई किसान आत्महत्या करता है, और किसानों ने प्रधानमंत्री से, अरुण जेटली जी से एक ही चीज मांगी है, हमारा आप कर्जा माफ कर दीजिए, हमसे जिया नहीं जा रहा है, हमें आपसे और कोई मदद नहीं चाहिए, हमारा कर्जा माफ कर दीजिए। अरुण जेटली जी कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है, हम ये काम नहीं करते, आप कर्जा माफ नहीं करते। तो अगर आपकी ये पॉलिसी नहीं है,
फिर आपने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए क्यों कर्जा माफ किया है? अमीर व्यक्तियों का रोज कर्जा माफ करते हैं, किसान मदद मांगता है कहते हैं नहीं हमारी पॉलिसी नहीं। यूपीए की सरकार थी 70,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार ने आपके लिए कर्जा माफ किया था किसानों के लिए। किसान हमारे पास आए, उन्होंने कहा देखिए मुश्किल हो रही है, हमारा कर्जा माफ कीजिए, एकदम हमने कर दिया। लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों को फायदा मिला। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, मैंने अपने भाषण में वहां कहा, देखिए मैं बाकी सब नहीं जानता हूं मगर मैं आपको यह कह देता हूं 10 दिन के अंदर इन 3 प्रदेशों में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। मैंने वहां बोला, हर मीटिंग में बोला, भाई और बहनों कांग्रेस पार्टी 3 प्रदेशों में चुनाव जीती, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर हमारे 3 चीफ मिनिस्टर ने कर्जा माफ कर दिया किसानों का। 2 दिन पहले बीजेपी के लोग कह रहे थे पैसा नहीं है, कर्जा माफ नहीं हो सकता, पैसा है, कोई कमी नहीं है पैसे की, बस यह है कि यह पैसा पूरा का पूरा पैसा ये चोरों को देते हैं, नीरव मोदी जैसे चोरों को, मेहुल चौकसी जैसे चोरों को, अनिल अंबानी जैसे चोरों को। देखिए मैं सुनाता हूं आपको, मैं सुनाता हूं, पहले नारा चलता था, जनता कहती थी अच्छे दिन, नरेंद्र मोदी जी कहते थे आएंगे, याद है आपको, अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन, आ गए। अब नारा सुनिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। ये देखिए ये क्या हुआ, 4 साल में अच्छे दिन से चौकीदार चोर कैसे हो गया? भाई और बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील राफेल हवाई जहाज की डील, हिंदुस्तान की वायुसेना को हवाई जहाज की जरूरत थी, यूपीए की सरकार ने कहा आप जाके देखिए सबसे बेहतर हवाई जहाज चुनिए, उसको खरीदिए, राफेल हवाई जहाज चुना गया। एयरफोर्स ने कहा 526 करोड़ एक हवाई जहाज के लिए, और हवाई जहाज एचएल बनाएगी, हिंदुस्तान में बनेगा, सब कुछ तय हो गया था। बीजेपी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी जी फ्रांस जाते हैं, हवाई जहाज में फ्रांस जाते हैं, उनके डेलीगेशन में उनके साथ अनिल भाई मतलब अनिल अंबानी जाते हैं, दोनों दलों में फ्रांस जाते हैं, राफेल हवाई जहाज की डील को बदल देते हैं, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है, एचएल को परे कर दिया जाता है, सरकारी कंपनी को हटा दिया जाता है, और अनिल अंबानी जी को नरेंद्र मोदी कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं। भाई और बहनों, 30,000 करोड़ रुपए का फायदा हिंदुस्तान के चौकीदार ने अपने मित्र अनिल अंबानी को करवाया। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, प्रेस से कहता है, देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आया था मीटिंग में, उसने साफ कह दिया कि 526 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए का खरीदा जाएगा, और एचएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने मुझे साफ बोल दिया, अगर राफेल हवाई जहाज फ्रांस को बेचना है तो सिर्फ अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर जी कहते हैं, मैं नहीं जानता भैया क्या हुआ, प्रेस से कहते हैं, नरेंद्र मोदी से जाके पूछिए वो जानते हैं। सीबीआई का डायरेक्टर खड़ा होता है, कहता है चौकीदार चोर है, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, घंटों में नरेंद्र मोदी उसको निकाल देता है, 1:30 बजे रात को चोरों जैसे नरेंद्र मोदी सीबीआई डायरेक्टर को निकालता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको वापस लाओ, सीबीआई का डायरेक्टर है इसे वापस लाओ, नरेंद्र मोदी उसको वापस लाता है और फिर 5-6 घंटे में फिर से निकाल देता है। क्यों? क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर इंक्वायरी करने जा रहा था, और जिस दिन इंक्वायरी हो गई, जिस दिन
कार्रवाई शुरू हो गई, उस दिन आपको नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी दोनों जेल में दिखाई देंगे। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा की बात करते हैं। आपसे कहते हैं कि आपकी जमीन आपकी नहीं है, आपसे कहते हैं कि हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, आपकी भाषा, आपके इतिहास, आपकी हिस्ट्री पर आक्रमण करते हैं, आपकी जमीन छीनने की कोशिश करते हैं। आपके लोग आए मेरे पास, यहां सब सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। जमीन पर लड़ाइए हमारे पास आए, और उन्होंने मुझे कहा, इन सब ने, रीजनल पार्टीज ने, इन्होंने मुझे कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट हाउस में सिटीजन अमेंडमेंट बिल को रोकना है। मैं एक बार कुछ कह देता हूं तो कर देता हूं, मैं 15 लाख वाला वायदा नहीं करूंगा आपसे। मैंने उनसे वायदा किया था कि कांग्रेस पार्टी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में रोक देगी, और हमने अपना वायदा किया, हमने अपना वायदा किया, सिटीजन बिल को हमने राज्यसभा में रोक दिया। और मैं यहां स्टेज से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, अमित शाह जी ने कहा है कि चुनाव के बाद सिटीजनशिप बिल को लाएंगे। सबसे पहले वो मर्डर अक्यूज है, मर्डर अक्यूज ने कहा कि वो सिटीजनशिप बिल लाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मर्डर अक्यूज को, बीजेपी को हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल नहीं लाने देंगे। पार्लियामेंट हाउस में इसको रोकेंगे, जमीन पर लड़ जाएंगे हम, मगर नॉर्थ ईस्ट पे सिटीजन अमेंडमेंट बिल नहीं होने वाला है। आपके पास पहले कांग्रेस पार्टी ने स्पेशल स्टेटस दिया था, हमने इस बात को माना था कि त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के बाकी प्रदेश यूनिक हैं, इनके सामने अलग अलग समस्याएं हैं, दूसरी तरीके की मुश्किलें हैं। तो हमने आपके लिए स्पेशल स्टेटस दिलवाया था, वो भी आपसे बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने छीना। जैसे हमारी सरकार 2019 में आएगी, हम आपको स्पेशल स्टेटस वापस दे देंगे। और सिर्फ वो नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुआ करती थी नॉर्थ ईस्ट के लिए, त्रिपुरा में, बाकी प्रदेशों में इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनी। वो भी हम आपको नॉर्थ ईस्ट को इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 चुनाव जीतने के एकदम बाद वापस दे देंगे। और क्या आपकी जरूरत है इंडस्ट्री की, कारखानों की, सड़कों की, रेलवे लाइन की, एयरपोर्ट की, उस पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में काम शुरू कर देगी, और कुछ ही समय में, मैं जानता हूं, राजा की राज करेगी। यहां के जो इंडिजिनस लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी आपसे जमीन छीनने की कोशिश करती है। हम आपके लिए ट्राइबल बिल लाए थे, इंडिजिनस लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको जमीन दिलवाने के लिए। उस बिल को भी नरेंद्र मोदी ने रद्द किया है, त्रिपुरा में उसको खारिज किया है। हम ट्राइबल बिल को इंडिजिनस लोगों के लिए यहां पे लागू करेंगे, और आपकी जो जमीन है आपको वापस देने का काम हम शुरू करेंगे। और हमने जो वायदा किया था कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो हम आपको वापस देंगे। आपकी जो लोकल काउंसिल्स हैं, उनको हम पावर देंगे, वो वायदा भी हम पूरा करके आपको देंगे। हम चाहते हैं कि आप इस प्रदेश को त्रिपुरा से, गांव से चलाओ। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि यह प्रदेश नागपुर से चलाया जाए, आरएसएस चलाए।
हम इस प्रदेश को नागपुर से कभी नहीं चलने देंगे, इस प्रदेश को त्रिपुरा के लोग चलाएंगे, त्रिपुरा के किसान चलाएंगे, त्रिपुरा की जनता चलाएगी। नेशनल लेवल पर हमने निर्णय ले लिया है, पहले चौकीदार को 2019 में हटाएंगे, निकालेंगे, और जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी वैसे ही हम एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। गारंटीड मिनिमम आमदनी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की सरकार बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल के दे देगी। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं, 2019 में जैसे ही चुनाव जीतेंगे एक मिनिमम आमदनी की लाइन बना दी जाएगी। सरकार कहेगी कि मिनिमम आमदनी की लाइन इतने रुपए की है, और जो भी लोग जिनकी भी आमदनी उस लाइन से नीचे है उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल दिया जाएगा और उनकी आमदनी उस मिनिमम लाइन तक पहुंचा दी जाएगी। नरेंद्र देंगे, आपको करना है जो करो, आप 3.5 लाख उनको दो, उनका कर्जा कर माफ करो, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी जैसे चोरों को पैसा देते हो, हम उनका पैसा लेकर गरीब जनता को पैसा देंगे, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा देंगे। करो जो आपको करना है। भाई और बहनों, चुनाव का समय है, कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, आप हमारी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हो, आपसे यहां सरकार चुराई गई है, कांग्रेस पार्टी से चुराई गई है सरकार, पूरा देश जानता है। अरुणाचल में, त्रिपुरा में, गोवा में पैसे देकर आपका जो हक है आपसे छीना गया है। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा को त्रिपुरा की जनता चलाए, त्रिपुरा के किसान चलाए। मैंने कहा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को हम सीधा डायरेक्ट पैसा देंगे, डायरेक्ट फंडिंग देंगे। तो आपकी लड़ाई है, लोकसभा के चुनाव आपने जिताने हैं, दोनों की दोनों सीट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को दिलवानी है। आप दिन भर कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो जनता यहां आई है आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दूर दूर से आए, आपने मेरी बात सुनी, इतने प्यार से मेरी बात सुनी। बीजेपी देश को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है, कमजोर लोगों की मदद करती है, प्यार की पार्टी है, प्यार और भाईचारे की बात करती है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारी विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। त्रिपुरा की जनता को आप बताइए कि त्रिपुरा के गरीब लोगों पे, त्रिपुरा की जमीन पर बीजेपी और आप आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आपके ऊपर आक्रमण है, नॉर्थ ईस्ट की जनता के ऊपर आक्रमण है। जनता को बताइए कि कांग्रेस पार्टी आपकी रक्षा कर रही है, कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के साथ खड़ी है, और हम आपकी रक्षा करेंगे, और जो भी आपके ऊपर आक्रमण करेगा हम आपके साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल जी अरे बोलो, राहुल जी।